आज के लेक्चर का टॉपिक है अकबर के राजपूतों के साथ संबंध। मुगल राजपूत सहयोग की दिशा में सक्रिय प्रयास। जनवरी 1556 ईस्वी को जब अस्थिर बुद्धि वाले हुमायूं अपनी जीवन लीला समाप्त कर इस लोक से चल बसा तो 14 वर्षीय पुत्र अकबर 14 फरवरी 1556 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। सम्राट अकबर उच्च कोटि का राजनीतिज्ञ, दूरदर्शी शासक सिद्ध हुआ और उसने गद्दी पर बैठने के साथ ही हिंदुओं के इस देश भारत में व उसके सहयोग के बिना शांतिपूर्वक सफलता से राज्य नहीं कर सकता, इस बात को उन्होंने अच्छे से जान लिया और हिंदुओं में भी वह राजपूतों का सहयोग और भी आवश्यक समझता था। वह इस बात को भलीभांति जानता था कि वीर राजपूतों के विरुद्ध युद्ध और शत्रुता की नीति से मुगल साम्राज्य का भला नहीं हो सकता। अतः अकबर संपूर्ण भारत पर अपनी प्रभुता स्थापित करना चाहता था और अपनी मुराद को पूरी करने के लिए उसने राजपूतों के सहयोग को आवश्यक माना। धार्मिक सहिष्णुता की नीति पर आचरण करते हुए गैर मुसलमानों के प्रति उदारता का प्रदर्शन उन्होंने किया और अकबर का राजपूतों से सहयोग प्राप्ति की इच्छा रखने के पीछे कई कारण थे। पहला देखें तो राजपूत राजस्थान की भौगोलिक स्थिति। जिस प्रकार राजस्थान की भौगोलिक स्थिति तथा उसके महत्व से अलाउद्दीन खिलजी अवगत था, उसी प्रकार सम्राट अकबर ने भी शीघ्र ही राजस्थान के महत्व को समझ लिया था। वह जनता जानता था कि मालवा पर, गुजरात पर जहाँ अफगान सुल्तान शासन कर रहे, वहाँ जब तक अधिकार नहीं जमा लेते तब तक राजस्थान उसके प्रभुत्व में नहीं आएगा, इसलिए वह राजपूतों के साथ मैत्री करना चाहता था। दूसरा, राजपूतों का स्वामी भक्त होना। अकबर ये भलीभांति जानता था कि राजपूत स्वामी भक्त होते हैं। वे एक बार जिसको अपना स्वामी स्वीकार कर लें उसके प्रति वे आजन्म वफादार रहते हैं। वे अपने स्वामी से कभी विश्वासघात नहीं करते। वे सोने चांदी के टुकड़ों में नहीं बिकते। अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी वे अपने स्वामी की रक्षा करते हैं। तीसरा कारण है राजपूतों का वचन पर अटल रहना। अकबर को अपने शासनकाल में यह भी स्पष्ट हो गया था कि राजपूत अपने वचन के पक्के होते हैं। एक बार वे जिसे वचन दें उसे पर अटल रहते हैं। अपने वचन निभाने के लिए वह अपने प्राणों से खेल जाते हैं। अतः अकबर जैसा दूरदर्शी सम्राट उसका सहयोग प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। चौथा, राजपूतों में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा। अकबर को गद्दी पर बैठने के कुछ समय पश्चात ही ज्ञात हो गया कि राजपूत नरेशों में मैत्री भाव नहीं है, वे एक दूसरों के प्रतिद्वंद्वी बने हुए हैं। उसके समक्ष यह दृष्टांत प्रस्तुत था कि शेर खां सूर ने गुलाम हाजी खां ने मेवाड़ के राजा उदय सिंह तथा मारवाड़ के नरेश मालदेव के बीच किस प्रकार युद्ध छिड़वा दिया था। वह उनकी इस प्रकृति से भी भलीभांति परिचित हो गए थे कि वे स्वाभिमानी होने के कारण अपनी मान मर्यादा की रक्षा के लिए शीघ्र ही क्रोधित हो उठते हैं और आवेश में आकर वे आपस में लड़ बैठते हैं। वे एक दूसरे से मिलकर नहीं वरन स्वतंत्र रूप से शासन करना चाहते हैं। कूटनीतिज्ञ अकबर ने सोचा कि राजपूतों की शक्ति को राजपूतों के सहयोग से ही क्यों न नष्ट किया जाए। पांचवा कारण है, अकबर स्थानीय लोगों से ही अपनी सेना का गठन करना चाहता था। मुगलों की सेना विदेशी अफगान सैनिकों पर ही आधारित थी। उनकी सहायता से भी भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली गई थी, परंतु भारत में मुगल सम्राटों के निरंतर युद्ध करने से उन्हें विदेशी सैनिक आसानी से मिलना दुर्लभ हो गया। इसके अलावा मुगल सम्राट अब युद्धों को धर्म युद्धों का रूप नहीं देते थे। इस कारण मुगलों के शासन में भी विदेशी पठान सैनिकों को हिंदुओं पर अत्याचार करने तथा लूटने का अवसर भी कम मिलता था, इसलिए वे अब भारत में आकर युद्ध करने के इच्छुक नहीं थे। उधर अकबर को भारत में अपने साम्राज्य विस्तार हेतु युद्ध लड़ने थे, अतः उसने अपने सैनिक बल को विदेशी सैनिकों के सहारे शक्तिशाली न करके स्थानीय राजपूत सैनिकों के सहयोग से सुदृढ़ करने का निश्चय किया। सिक्स्थ कारण है, मुगल अमीरों का महत्वाकांक्षी होना। मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में बाबर ने की थी और बाबर ने कुल 4 वर्ष राज्य किया। इस बीच उसने निरंतर युद्ध ही किए और उत्तराधिकारी हुमायूं निर्बल एवं अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। इस कारण अमीर जो मुगल अमीर थे वे अधिक महत्वाकांक्षी हो गए और वे स्वाधीन हो अपनी मनमानी करने लगे।
बैरम खां के विद्रोह ने अकबर की आंखें खोल दी। अतः कूटनीतिज्ञ अकबर ने समझा कि राजपूत नरेशों को दरबार में महत्वपूर्ण स्थान देकर इन महत्वाकांक्षी अमीरों को कुचल दिया जाना चाहिए। उसने समझ लिया था कि उसके सहयोग से दरबार में शक्ति का संतुलन बना रहेगा और मुस्लिम अमीर उसके सिरदर्द नहीं बन पाएंगे। सातवां कारण है अकबर का हिंदुओं के प्रति स्नेह तथा सम्मान। अकबर का 1542 में जन्म अमरकोट के राजपूत सरदार राणा बेरीसाल के राजमहल में हुआ था। अतः प्रारंभ से ही अकबर के दिल में राजपूतों के प्रति सम्मान की भावना रही और इसके अतिरिक्त शिया विचारों से प्रभावित होने के कारण हिंदुओं के प्रति वे अनुदार नहीं रह पाए। उनके शिक्षक अब्दुल लतीफ तथा संरक्षक बैरम खां शिया मुसलमान थे। उनके विचारों से प्रभावित होने के कारण अकबर में सुन्नी मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता का अभाव रहा और इसके अलावा उनकी जो माता थी वो भी शिया थी। अतः मुगल सम्राट अकबर राजपूतों का सहयोग पाने का प्रयास करने लगा और डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव कहते हैं कि अकबर जब 20 वर्ष का हुआ तो उसे अपने अंदर एक अनुपम आध्यात्मिक परिवर्तन का आभास होने लगा, जिसका प्रजा के प्रति उसके व्यवहार और कर्तव्य पालन में बड़ा ही सुंदर प्रभाव पड़ा। इस परिवर्तन से उसके हृदय में धार्मिक कट्टरता के स्थान पर सहिष्णुता के उदार भावना जागृत हुई और इस सहिष्णुता के कारण वह स्वतः राजपूतों के सहयोग की ओर उन्मुख हो गया। इतिहासकार अबुल फजल ने इस नीति को सुलहकूल की नीति बताया और इस नीति के फलस्वरूप उसने राजपूत नरेशों को सम्मान के साथ अपने दरबार में उच्च स्थान भी दिए और अपने प्रभुत्व में लाकर भी उसने राजपूतों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता व सामाजिक समानता प्रदान की। 1562 का वर्ष मुगल राजपूत सहयोग में युगांतरकारी सिद्ध होता है, क्योंकि अकबर की सुलह कुल व राजपूतों से सहयोग करने की नीति 1562 से ही प्रारंभ हुई। इस वर्ष जब वह अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जियारत के लिए आया तो उसने आमेर के नरेश भारमल कछावा से 20 जनवरी 1562 में मुलाकात की और इस मुलाकात के परिणाम स्वरूप अकबर ने राजा भारमल की पुत्री से सांभर में 6 फरवरी 1562 को विवाह कर लिया। विवाह का कारण था आमेर का गृह कलह तथा अजमेर के मुगल सूबेदार सफुरुद्दीन के आक्रमण का भय। अकबर के साथ विवाह करने के परिणाम स्वरूप आमेर कछावा नरेशों का भाग्योदय हो गया। राजस्थान में ही नहीं किंतु वे भारत में महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए। इस विवाह के समय ही अकबर भारमल के पुत्र राजा भगवान दास को पौत्र मान सिंह को भी उसने आमेर आगरे ले गया। दोनों अकबर की सेना में उच्च पदों पर सुशोभित हो गए और मुगल साम्राज्य का विस्तार मुगल साम्राज्य के प्रमुख सिपहसालार बन गए। पिता पुत्र सम्राट के इतने विश्वसनीय बने कि सम्राट अब किसी भी लंबे समय के लिए राजधानी से जब बाहर जाते थे तो रक्षा का भार उन्हीं को सौंप जाते थे। इस वैवाहिक संबंध का प्रभाव केवल आमेर व आगरा के बीच ही सिमट कर नहीं रहा वरन राजस्थान पर पड़ा। आमेर के कछावा नरेशों को मुगल दरबार में सम्मानित देख राजस्थान के अन्य राजपूत नरेश भी सम्राट अकबर के पास इसी प्रकार संबंध स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित हो गए। वैवाहिक संबंधों ने बस राजस्थान के अन्य राजपूत नरेशों को भी अपनी पुत्री पौत्रियों को अकबर से विवाह करने के लिए और पुत्रों के साथ करने का मार्ग प्रशस्त किया। स्वाभिमानी व हिंदू धर्म पर मर मिटने वाले राजपूत द्वारा अपनी पुत्रियों के विवाह मुगलों के साथ करने की यह परंपरा प्रारंभ में अटपटी प्रतीत हुई। मुगलों के आगमन से पूर्व राजपूत वीरांगनाएं मुसलमानों से अपनी इज्जत बचाने हेतु हंसते हंसते जौहर कर बैठती थी, पर इस विवाह के उपरांत राजपूत महिलाओं की अवधारणा बदल गई और इन्हीं कारणों से 1562 का वह वर्ष भारत के इतिहास में एक युगांतरकारी वर्ष माना जाता है। वैवाहिक संबंधों के परिणाम, प्रथम तो इस वैवाहिक संबंध ने राजपूत मुगल सहयोग का द्वार खोल दिया। आमेर की गद्दी भारमल व उसके उत्तराधिकारियों के लिए सुरक्षित की। कछावा नरेशों का भाग्य चमका, मुगल दरबार में सर्वाधिक सम्मानित बने। अकबर ने भारमल को राजा की उपाधि दी, 5000 का मनसब दिया, उनके राज्य में शांति रखी। इस कारण का राज्य समृद्धि की ओर बढ़ने लगा। इस विवाह में राजा भारमल ने अपना हित नहीं देखा वरन अपनी प्रजा का भी हित देखा था। इसी प्रकार अन्य राजपूत नरेशों का जिन्होंने इसी प्रकार से विवाह अकबर व उसके उत्तराधिकारियों के साथ संपन्न किए,
का भी हित हुआ और उनके राज्य में शांति रही। वहाँ व्यापार विकसित हुआ तथा वे मुगल दरबार में उच्च मनसब पद प्राप्त करने में किया और भाग्य उनका चमक गया। वैवाहिक संबंधों के दुष्परिणाम। निसंदेह वैवाहिक संबंधों से मुगल राजपूत सहयोग दिन ब दिन बढ़ा। इस सहयोग के बढ़ने का परिणाम यह हुआ कि अकबर राजपूताना के लगभग सब राजपूत नरेशों को अपने प्रभुत्व में लाने में सफल रहा। राजपूत नरेशों में पारस्परिक संघर्ष भी कम हुआ। यदि किसी राजा को दूसरे राजा से संघर्ष मनमुटाव था तो वह मुगल सम्राट की मध्यस्थता से ही समाप्त हो जाता। मनसबों के पदों पर आसीन होने पर राजपूत नरेशों को बहुधा अपने राज्यों से बाहर रहना पड़ता और मुगल सम्राट की नीति उन्हें उनके राज्यों से दूर भेजने की रहती। इसे राजा अपनी जनता से सीधा संपर्क नहीं रख पाते। परिणाम ये रहा कि जनता के पूर्ण स्वामी भक्ति से वंचित हो गए। इसके अलावा उनके राज्यों की शासन व्यवस्था में भी शिथिलता आई। पिता की मृत्यु हो जाने पर ज्येष्ठ राजकुमार सम्राट की अनुमति से गद्दी बैठता था। इससे स्पष्ट है कि मुगल सम्राट राजपूत नरेशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे और अपने को कृपा पात्र को राजा बनाने का प्रयास में वे उत्तराधिकार के संघर्ष को प्रोत्साहन मिला। उत्तराधिकार के युद्ध में असफल राजकुमार मुगल सम्राट की सेवा में चले जाते थे। उन्हें वहां सहर्ष आश्रय मिलता। इससे भाइयों में प्रतिद्वंदिता बढ़ी और मुगल सम्राट राजपूत राजकुमारों व राजाओं के प्रतिद्वंदिता में अपना फायदा देखने लगे। इसलिए कर्नल टोड ने अकबर का राजपूत नीति का विश्लेषण करते लिखा है कि वही अकबर प्रथम विजेता था जिसने राजपूतों की स्वतंत्रता नष्ट कर दी। उसने लोगों को जंजीरों से जकड़ा किंतु उनके ऊपर सोने का मलम्मा चढ़ा दिया। इन जंजीरों की राजाओं को आदत पड़ गई क्योंकि बादशाह ने अपनी शक्ति का उपयोग ऐसे ढंग से किया कि राजपूतों का जातीय अभिमान बना रहा। स्पष्ट है कि अकबर की सहयोग पूर्ण तथा मैत्रीपूर्ण नीति का राजपूतों की शक्ति व प्रतिष्ठा पर बुरा प्रभाव पड़ा। राजपूतों ने मुगलों का सहयोग किन कारणों से किया? उपरोक्त विवरण हमने जो दिया उसे स्पष्ट होता है कि मुगल सम्राट अकबर ने भारत में अपना साम्राज्य विस्तृत एवं सुदृढ़ करने के लिए राजपूतों का सहयोग चाहा। उसे अपने उद्देश्य में सफलता भी मिली। अब प्रश्न ये उठता है कि राजपूत नरेशों ने 350 वर्षों से मुस्लिम आक्रमणकारियों व सल्तनत सुल्तानों को जो कड़ा लोहा लेते रहे, उन्होंने सब प्रकार के कष्ट उठाकर अपनी तथा अपने राज्यों की स्वतंत्रता बनाए रखने का प्रयास किया। शतरानियों ने अपने अपूर्व बलिदान और त्याग से अपने वीर राजपूतों को क्षत्रिय धर्म रक्षा करने में सहयोग प्रदान किया। परंतु भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होते ही वीर राजपूत और वीर क्षत्रानिया के विचारों में मुगलों में सहयोग करने की भावना उत्पन्न क्यों हुई? इसके पीछे भी कुछ कारण रहे। जिस प्रकार इस सहयोग की नीति से मुगल सम्राट अकबर ने अपनी सर्वोच्च स्थापित करना चाही, वहीं राजपूतों ने भी मुगलों का सहयोग कर अपनी कुछ स्वार्थ पूर्ति करना चाहा था। राजपूतों के मुगलों से सहयोग करने को बाध्य होना, उसके पीछे भी कई कारण थे। पहला तो राजपूतों द्वारा अपनी निर्बलता का आभास होना। निसंदेह राजपूत अपनी स्वतंत्रता व अपने जातीय अभिमान के लिए भी विश्वविख्यात रहे, परंतु मुसलमानों के हाथों उन्हें कुछ करारी हार भी सहनी पड़ी। मनोबल टूटा, मुसलमानों से निर्बल समझने लगे और खानवा के युद्ध में राणा सांगा के नेतृत्व में उन्हें बाबर से हार खानी पड़ी। सुमेल के युद्ध में शेरशाह ने जोधपुर नरेश मालदेव को परास्त कर दिया। राजपूतों का मान मर्दन हुआ। इन युद्धों में राजपूतों को अपनी हीनता का स्पष्ट आभास हुआ। इसके अलावा इन युद्धों में उन्हें जनधन की अपार हानि उठानी पड़ी थी। अतः वे इस नतीजे पर पहुंचे कि हमारा हित मुगलों से सहयोग करने में ही है। वे मुगलों की तोपों और गोला बारूद के सामने अपने किलों की सुरक्षा नहीं कर सकते। दूसरा, राजस्थान में उत्तराधिकार के संघर्ष में वृद्धि हो चुकी थी। हिंदू धर्म में उत्तराधिकार का नियम स्पष्ट था। जिस राजकुमारों को ही पिता की गद्दी पर बैठने का अधिकार, परंतु इस समय राजपूत नरेशों में बहुपत्नी का रोग भयंकर फैला। अधिक रानियां रखने के कारण वे गौरव भी समझते थे। विलासी राजाओं का प्रेम भी एक रानी से दूसरी रानी में घटता बढ़ता रहता था। कभी कभी वे प्रेमावश में छोटी रानी के पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। इसके परिणामस्वरूप राज्य में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होने लगे। अकबर मध्यस्थता करने लगा। अकबर की इस मध्यस्थता के कारण राणा प्रताप सिंह का भाई शक्ति सिंह तथा जगमाल भी अकबर की शरण में चले गए। जोधपुर के राज चंद्रसेन का भाई राम मुगल सम्राट की शरण में गया।
अकबर ने शाह उन्हें अपने यहाँ आश्रय दिया, उन्हें मनसब पद प्रदान किए। इन संकटों से बचने के उद्देश्य से राजपूत नरेश सम्राट अकबर का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। तीसरी वजह है राजपूत नरेशों द्वारा अपने पुत्रों के लिए जीविका का साधन जुटाना। राजपूत नरेशों के अनेक रानियां होने के कारण पुत्र भी अनेक होते थे। गद्दी केवल एक पुत्र को ही मिलती थी। अन्य पुत्रों के भविष्य की भी राजाओं को चिंता होती थी। अब बीका जैसे वीर राजकुमारों की कमी आने लगी थी, जिसने पिता जोधा से राज्य न मिलने पर बीकानेर राज्य की स्थापना कर ली। अतः राजपूत नरेश अब अपने पुत्रों का भविष्य भी मुगल सम्राट अकबर के दरबार में ही खोजने लगे थे। चौथा कारण है अपने राज्यों की सुरक्षा मुगलों के आश्रय में ढूंढना। राजपूत नरेशों में पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता कुछ इस प्रकार बड़ी और परंपरागत बन गई कि एक राजा दूसरे राज्य के राज्य पर आक्रमण करने का अभ्यस्त सा हो गया। राजाओं के पास स्थायी सेना तो नहीं थी, उन्हें अपने सामंतों की सैनिक शक्ति पर अवलंबित होना पड़ा। दिल्ली सल्तनत काल में 1206 से 1525 राजपूत नरेशों को निरंतर मुस्लिम सुल्तानों से संघर्ष करना पड़ा। निरंतर युद्धों के कारण राजाओं को अपने सामंतों पर निर्भर भी अधिक रहना पड़ा। इससे सामंतों के हौसले बढ़ गए, वे अपने स्वामी नरेशों से समानता का दावा करने लगे। कई सामंत सीधे अकबर से संपर्क स्थापित करने लगे। राजपूतों में वैमनस्य तथा प्रतिद्वंदिता बढ़ने की नीयत से मुगल सम्राट भी सामंतों को आश्रय व प्रेरणा देने लगे। अंत अपने राज्यों की सुरक्षा तथा सामंतों की सैनिक सहायता से मुक्ति पाने की दृष्टि से राजपूत नरेशों ने मुगल सम्राटों का सहयोग करना ही उत्तम समझा था। पांचवी वजह है मुगलों के आक्रमण से सुरक्षा। ऐसा प्रतीत होता है कि बाबर से राणा सांगा के परास्त होते ही राजपूत नरेश शोक के दिल बैठ गए। राणा सांगा जैसा वीर सेनानायक मुगल सम्राट से पराजित हुआ, उधर मुगलों की उनके राज्यों पर हमलों की पूरी आशंका रहती थी। दिल्ली सल्तनत का इतिहास उसके समक्ष प्रस्तुत था। इसके अलावा राणा प्रताप व अकबर 1576-1597 का दीर्घकालीन संघर्ष उनके सामने था। चंद्रसेन द्वारा अकबर का प्रतिरोध व उनके परिणाम भी उनके समक्ष विद्यमान थे। अतः उनके निरंतर आक्रमणों से राहत पाने की दृष्टि से भी उन्होंने मुगलों के शरणागत होना ही श्रेय कर समझा था। छठी वजह है राजपूत नरेशों के पास स्थायी सेना का अभाव। इस अभाव के कारण वे मुगल आक्रमणों से अपना रक्षा नहीं कर सकते थे। अतः मुगल सम्राटों के संरक्षण में ही अपने को अर्पित करना राजपूत नरेशों ने शेष कर समझा था। इस गहराई में न जाते हुए कि इस सहयोग की पहल प्रथम राजपूतों की तरफ से हुई या मुगल सम्राटों की ओर से, इस सहयोग नीति के परिणामों पर विचार करना चाहिए। उपयुक्त विवरण व